have someone with me, a very special guest. And jitni selfies hui hain inke saath youngsters ne liye hain, clearly speaks how popular he is. And kyunki hamara show youngsters ka show hai, to clearly the right man for the right place. Assalamu alaikum Asad Umar sahab. Thank you very much for finding. I know you're in a hurry, so I'm going to keep my questions crisp. As a politician, do you see the youth of this country, if they move towards entrepreneurship, try karein, fail ho, phir try karein, phir fail ho, phir ultimately succeed karein, jo entrepreneurial journey hota hai, kya yahi tarika hai hamari economic growth ke liye ya naukriyon ki talash pe focus rehna chahiye? इस वक्त जो है 21वीं सदी की मईशत के अंदर ये ज़रूरत बन गया है. आप देखें कि अमेरिका की एक इकोनॉमी देख लें, उसको जो सारा ड्राइव कर रहा है वो एक एंटरप्रेन्योरशिप का कल्चर है. 22-23 साल के लड़के, उन्होंने दुनिया रेवोल्यूशनाइज कर दी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की. उन किसी ने फेसबुक बना दिया, किसी ने एप्पल बना दिया, किसी ने माइक्रोसॉफ्ट बना दिया. इसी तरीके से दुनिया के अंदर बाकी, इस वक्त चाइना में बेतहाशा एंटरप्रेन्योरियल एनर्जी है, इस वक्त इंडिया के अंदर ये हो रहा है. तो जो पुराना एक काम करने का तरीका है, इट कैन ओनली टेक यू दिस फार. अगर आप वाकई में 21वीं सदी के अंदर मुकाबला करना चाहते हैं तो ये जो नया टैलेंट है, यंग टैलेंट है, बबलिंग विद एनर्जी आइडियाज, आपने इनको इनकरेज करना है और यही नई मईशत जो है ना, यही आपको कामयाब करेंगे. यू बिलीव इन दिस, ग्रेट. यू बीन वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल सीईओस ऑफ पाकिस्तान. हम सब पढ़ते थे आपके बारे में कि आपने बड़ा अच्छा किया, इन लोगों किया. आप एंटरप्रेन्योर क्यों नहीं बने? मैं एंटरप्रेन्योर इसलिए नहीं बना कि जो मेरी जनरेशन थी ना, उसमें तो ये ख्याल ही नहीं आता था हमें. मेरी क्लास से एक लड़का जो है वो एंटरप्रेन्योर बना, इसलिए कि नौकरी कहीं नहीं मिल रही थी. अच्छा. उसके बाद चंद साल तक ऐसे ही माहौल था. फिर मेरे ग्रेजुएट करने के 4-5 साल पहले हमने देखा बाई चॉइस लोग एंटरप्रेन्योर करना शुरू. अब जो है, मैं यूनिवर्सिटीज में बहुत मुझे बुलाते हैं, मैं वहाँ पे जाता हूँ लेक्चर देने के लिए, तो मैं ये एक सवाल तकरीबन हर जगह पूछता हूँ, अच्छा कितने लोग अपना बिजनेस करना चाहते हैं, कितने लोग नौकरी करना चाहते हैं, तकरीबन 50-50 जवाब आता है. अच्छा. सो ये कल्चर एक नया डेवलप हुआ है बिल्कुल, और इसीलिए मुझे उम्मीद भी है कि ये नई जनरेशन जो है इसके अंदर बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होगी. एक्सेलेंट. वन मोर क्वेश्चन सर, ये बताएं मुझे कि जब एक गवर्नमेंट कोई भी आती है, दे टॉक अबाउट यूथ, दे टॉक अबाउट लोन स्कीम्स, दे टॉक अबाउट जी हमने छोटे बिजनेस को ग्रो करना है, यंगस्टर्स को पैसे देके वो करना है. और ये मैं किसी एक गवर्नमेंट पर हिट नहीं करूँगा, आई एम टॉकिंग द ट्रेंड. लेट्स सी द ट्रेंड इन द पास्ट 40-50 ईयर्स. हर बंदे ने ये पिच किया पर उसका रिजल्ट कभी यूथ पे नजर नहीं आया. पाकिस्तान से कभी कोई फेसबुक गूगल नहीं बनी. वाई इज दैट सो? मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, हमारा जो पोलिटिकल सिस्टम जो है ना, वो पॉलिटिकल सिस्टम, शायद वो लैक ऑफ मेजोरिटी की वजह से, लैक ऑफ कंटिन्यूटी, जो भी उसकी वजह, बॉटम लाइन ये है कि हमारा पॉलिटिकल सिस्टम जो पाकिस्तान के हकीकी मसाइल हैं और उनके जो हकीकी हल है ना, वो उन पे फोकस ही नहीं है. कामयाबी तो दूसरी बात है, लेवल की बात है. हम बहुत पीछे रह गए हैं दुनिया में, बहुत पीछे रह गए. इस वक्त वही जिस तरीके से बहुत ज़्यादा किसी को ख्याल आता है, अच्छा जी लोन स्कीम शुरू कर दो. क्या पाकिस्तान में वेंचर कैपिटल इंडस्ट्री को किस तरीके से हमने डेवलप करना है, हमने टेक्नोलॉजी पार्क इस तरीके से इनकरेज करने हैं, ट्राईपार्टाइट रिलेशनशिप किस तरीके से बनानी है हमने एकेडेमिया की, इंडस्ट्री की और एंटरप्रेन्योर की और बिजनेस की, ये सारी जो है ना नट्स एंड बोल्ट्स, जो बहुत सेक्सी चीज़ें नहीं हैं, जो मीडिया के ऊपर नहीं बिकती हैं, इसके ऊपर इस वक्त हमारा फोकस ही नहीं है. बहुत सख्त शदीद ज़रूरत है इस वक्त के हम नेक्स्ट लेवल ऑफ रिफॉर्म. हम पता है हम सर्वाइवल लेवल ऑफ रिफॉर्म में फंस गए. वही IMF का प्रोग्राम हर 10 साल के बाद, वही आपकी सर्वाइवल मोड कि आपने किस तरीके से बैंकरप्सी से बचना है. तो हमें तो अभी तक सेकेंड और थर्ड जनरेशन रिफॉर्म पर जा जाना चाहिए था, वो हम नहीं पहुँचे. नहीं पहुँचे. आप कभी, आप आज की यूथ को जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहती है, स्टार्टअप बनना करती है, आप उसको कहेंगे कि क्या वो गवर्नमेंट के अंदर आए, गवर्नमेंट अपना रोल प्ले करे, शुड दे बिकम ब्यूरोक्रेट्स, शुड दे मूव इनटू दीस अभी विद द करंट फ्रेम ऑफ थिंग्स? नहीं, उनको ये नहीं करना चाहिए. उनको ये करना चाहिए कि उन्होंने वोट बैंक क्रिएट करना है इस रिफॉर्म के लिए. जिस दिन सियासतदान को पता चलेगा कि यार मैंने जब तक एज एन एग्जांपल ये एंटरप्रेन्योरशिप के जो बॉटलनेक्स हैं इसको रिमूव में करूंगा ना, तो मुझे नौजवान इसलिए वोट डालेगा, फिर वो रिस्पॉन्ड करेगा. तो इस वक्त नौजवान जो है, क्योंकि वो मेजॉरिटी है पाकिस्तान की, तकरीबन 60% पाकिस्तान का वोटर नौजवान है, तो बड़ी ताकत है इस वक्त इस नौजवान के अंदर. सो कलेक्टिवली अगर नौजवान इंसेंटिवाइज करें सियासतदान को कि
हमें ये चाहिए, ये करोगे तो वोट मिलेगा, तो खुद ब खुद सियासतदानों ने सीधे होके वो काम करने शुरू कर देने। आपने आज एक्टिविटी देखी है पूरी की पूरी, लॉट्स ऑफ यंग पीपल, एक्सुबरेंस, हमारे शो का उसमें एक रोल था, वी आर लाइक द अप्रेंटिस, द शार्क टैंक ऑफ पाकिस्तान, ये अपने आप को क्लेम करते हैं, क्या ये अच्छी मूव है मीडिया में लाना? यार जबरदस्त मूव है, मैं भी पैनल डिस्कशन के अंदर यही बात कर रहा था कि गवर्नमेंट की पब्लिक पॉलिसी वगैरह की तो सब बात करते हैं, लेकिन एक मीडिया का रोल भी है। देखो मीडिया जो है अगर सिर्फ यही दिखाता रहेगा कि पीटीआई और पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के तीन बंदे बिठा दिए वो आपस में मुर्गे लड़ते रहे, तो जो रियल इश्यूज हैं पाकिस्तान के वो आएंगे कैसे सामने? और ये भी फैक्ट है कि मीडिया का इस वक्त इन्फ्लुएंस है और पॉलिटिशियन उसको रिस्पॉन्ड करता है जो मीडिया पे ब्रेकिंग न्यूज चलती है। तो अगर आप मीडिया में स्पेस क्रिएट करते हैं, अच्छा उसके लिए है कि मीडिया जो है वो तो प्राइवेट सेक्टर है, आखिर में उसने पैसा कमाना है। सो चैलेंज क्या आ जाता है कि क्रिएटिविटी इस्तेमाल करके आप यही इश्यूज जो एक ड्राई डिस्कशन के अंदर नहीं बिकेंगे वो फॉर्मेट करके ऐसा हो कि व्यूअर भी आए जो आपने अपने प्रोग्राम में किया, थैंक यू कि आपको व्यूअर मिल रहा है, उसके मिल रहा है, मिल रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर टाइम। दिस इज देयर वेयर वी कंक्लूड दिस वेरी इंटरेस्टिंग मैराथन ट्रांसमिशन विद एन अमेजिंग गेस्ट। आपने देखा पूरा दिन हर शोबे से लोग आए, टेलीकॉम सेक्टर से, बैंकिंग सेक्टर से, मीडिया से, पॉलिटिक्स से, हमने सबको एक ही बात करवाई, उनसे बात पूछा हमने कि वो किस तरह देखते हैं कि एंटरप्रेन्योर्स और स्टार्टअप्स पाकिस्तान को कैसे बदल सकते हैं। ये सुपीरियर एक्सपो ने आज एक नई रीत सेट कर दी है जहाँ पे इतने सारे लोग मुख्तलिफ तरह के आपस में इंटीग्रेट होकर मिल के बातचीत उन्होंने की, मिला, आइडियाज़ शेयर किए। ये बहुत हिस्टोरिक डे था, मैं इसकी तारीफ करना चाहूँगा सुपीरियर यूनिवर्सिटी की, कमैसिट की, न्यू नेटवर्क की। और थैंक यू सर वंस अगेन फॉर बीइंग हियर एंड थैंक यू एवरीबॉडी फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।